बारा जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र में पार्वती नदी में असंतुलित होकर एक ट्रॉला गिर गया। ट्रॉला के गिरने से ड्राइवर की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में पप्पू आलम देवी मनोज कुमार घायल हो गए, ड्राइवर करवादर की मौत हो गई। मृतक के शव को किशनगंज की मोर्चुरी में रखवा दिया गया है जबकि घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है जिनका उपचार जारी है। ASI सूरजमल ने बताया कि यहाँ ट्रॉला बंगाल से गुजरात जा रहा है। गेहूं की चुरी भरी हुई थी। ड्राइवर को अचानक नींद आने से ट्रक पलटी खा गया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक पार्वती की पुलिया पे एक ट्रक पलटी खा गया। इस पर मैं जाप्ता के घटनास्थल पार्वती पुलिया पहुंचे जहाँ पर एक ट्रक नंबर WB 61B 8188 जिसमें 4 व्यक्ति बैठे हुए थे, 3 व्यक्ति घायल थे जिनका नाम पप्पू आलमगिरी और मनोज था और ड्राइवर का नाम है कर्माधर असद, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हो गए और मृतक चालक था कर्माधर, वो एक्सपायर हो गया जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मृतक की डेड बॉडी CSC किशनगंज में रखवाई, मजरूमों को 12 के लिए रेफर किया, जो एम्बुलेंस से 12 पहुंचाया। ये ट्रोला कहाँ से आ रहा था? ये ट्रोला बंगाल से गुजरात जा रहा था, गेहूं की चुरी भरी हुई थी। क्या कारण रहा घटना का? पप्पू ने बताया, जो मजरू पप्पू है उसने बताया कि ड्राइवर को अचानक नींद आ जाने से ट्रक पलटी खा।